एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने व्हाट्सएप को ऑटोमेटिक कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो, और अपने मैसेजेस को आप ऑटोमेटिकली सेंड कर सकते हो। तो वो कैसे करेंगे, और ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आपको दो लाइन्स का कोड लगेगा, सिर्फ और सिर्फ टू लाइन्स ऑफ कोड पाइथन के अंदर। आपको खाली क्या चाहिए इस चीज़ के लिए, ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि अगर सपोज आपकी किसी फ्रेंड का बर्थडे है, या फिर कोई भी चीज़ आपको विश करनी है, या फिर कोई भी मैसेज करना है आपको एग्जैक्ट वही टाइम पे, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उस टाइम तक जगे रहे, या फिर उस टाइम पे आप ऑनलाइन मतलब क्या डायरेक्टली आके अपने मैसेजेस को पूरा टाइप करने के बाद में फिर उस टाइम पे एग्जैक्ट टाइम पे आप सेंड करें, तो आप ऑटोमेटिकली भी अपने व्हाट्सएप से आपके मैसेजेस शेयर कर सकते हो आराम से, और वो एकदम एग्जैक्ट टाइमिंग पे होगा। तो इसके लिए आपको सिर्फ दो लाइंस का कोड चाहिए, उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है, आपको चाहिए सिर्फ पाइथन आपके पास होना चाहिए और एक IDE पाइथन का। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पाइचाम आपको ओपन कर लेना है। ये थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर होता है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया ये पाइचाम को, तो इसे कैसे इंस्टॉल करना है उसका लिंक भी मैं आपको ऊपर आई बटन पे दे दूंगी, और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दे दूंगी कि किस कहाँ से कौन से लिंक से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो काफ़ी सिंपल है, काफ़ी ईजी है, आपको बस ये IDE इंस्टॉल करनी है अपने PC में, लैपटॉप में, और पाइथन इंस्टॉल करना है। तो पाइथन कैसे इंस्टॉल करते हैं, पाइचाम कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये सारी चीज़ों का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी। यहाँ पे अपना पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है, जो कि है अपने IDE को ओपन करने का। ठीक है, तो ये एक बार ओपन हो गया, आपको अभी क्या करना है, आप चाहो तो यहाँ से नया प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो, या फिर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने की जगह पे आप यहाँ पे नया फाइल भी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बाइनरी डिकोडर फोल्डर के अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फोल्डर है मेरा, उसमें मैं क्या करूँगी, उसमें मैं अपना एक न्यू फाइल बना दूंगी, पाइथन फाइल, और इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज मैं अपना नाम दे देती हूँ, यहाँ पे व्हाट्सएप, सपोज यहाँ पे नाम दे देते हैं माई व्हाट्सएप, और यहाँ पे कर देना है एंटर, और आपका नया फाइल जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब ये स्टेप नंबर वन अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अभी स्टेप नंबर टू, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और वही मेन है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चले जाना है अपने फेवरेट ब्राउजर में, और वहाँ पे जाके, यहाँ पे मैं क्रोम में आ गई हूँ, यहाँ पे आपको टाइप करना है PyWhatKit। ठीक है, यहाँ पे ये टाइप करने के बाद में यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स आ जाएंगे। आपको कहाँ जाना है, आपको यहाँ पाइथन के ओरिजिनल लिंक पे जाना है, जो उसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, ये जो लाइन दिख रही है आपको, पिप इंस्टॉल PyWhatKit, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आपको कुछ नहीं करना है, ना यहाँ पे कुछ इंस्टॉल करना है, ना कुछ करना है, यहाँ पे कोई भी बटन क्लिक नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, इस लाइन को जो तीन वर्ड्स है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही इसी के वजह से हम अपने व्हाट्सएप को ऑटोमेट करने वाले हैं, और अपने ऑटोमेटिकली मैसेजेस सेंड करने वाले हैं एग्जैक्ट टाइमिंग पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये कॉपी टू क्लिकबोर्ड कर लो, या फिर सिलेक्ट करके कॉपी कर लो, और आ जाओ अपने पाइचाम में। बस इसका जो काम था वो इतना ही था कि यहाँ से हमें ये चीज़ को कॉपी करना था। ये जब कॉपी हो गया तो आपको पाइचाम में आना है, और यहाँ पे जाना है अपने टर्मिनल में, और यहाँ पे जब अपना टर्मिनल चालू हो जाएगा तो यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर देना है। ठीक है, पेस्ट होने के बाद में प्रेस एंटर, और ये कुछ सेकंड के अंदर ही आपका जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे कंप्लीट होगा वैसे हम एबल हो जाएंगे अपने मैसेजेस को सेंड करने के लिए। और मैसेजेस को आपको तब तक आपको सोच लेना है कि कौन से नंबर पे आपको, कौन सा आपका फेवरेट नंबर है, किसका बर्थडे है, या फिर कौन सा नंबर है जिस पे आपको मैसेजेस सेंड करने हैं। ठीक है, तब तक वो फाइंड आउट करके रखो, और तब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोगों ने अभी तक पूरा सोच लिया होगा कि मैसेज किसे भेजना है, कौन सा मैसेज भेजना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब आती है बारी मैसेज रेडी करने की, लेकिन उससे पहले हम करेंगे एज यूजुअल, इंपोर्ट करेंगे अपने पैकेज को। ठीक है, इस पैकेज को जो अभी हमने इंस्टॉल किया है उसको यहाँ पे लाना है, इंपोर्ट कर लेना है। और दूसरा मेन इंपॉर्टेंट काम है, जो कि एक इंपॉर्टेंट लाइन, लास्ट लाइन है, जो बस ये दो लाइन की वजह से आपका और व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली मैसेजेस सेंड करेगा आपके कहने पे, आपके टाइमिंग देने, जो टाइम आप दोगे उस टाइम पे एग्जैक्टली, और जो आप मैसेज बोलोगे उस मैसेज पे। ठीक है, और उस नंबर पे जो आप नंबर उसे बताओगे। तो वो सेकेंड लाइन क्या होने वाली है, तो PyWhatKit जो हमारा है डॉट, यहाँ से हमें क्या मंगाना है, सेंड व्हाट्सएप मैसेज, ये सेकेंड नंबर पे है। ठीक है, इसको ले लेना है। अभी इसके अंदर आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या चीज़ डालनी है। सबसे पहले आपको फ़ोन नंबर डालना है। ठीक है, तो फ़ोन नंबर आपको डाल लेना है, जो फ़ोन नंबर पे आप उसे आप जिसे मैसेज करना चाहते हो। तो यहाँ मैं नंबर डाल देती हूँ। उसके बाद में कॉमा से सेपरेट करके आपको अपना मैसेज डालना है, जो आप मैसेज उसे भेजना चाहते हो। तो सपोज आपके फ्रेंड का बर्थडे है और आप उसे बर्थडे विश करना चाहते हो, सपोज हैप्पी बर्थडे डियर, यहाँ पे मैंने ये डाल दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, द नेक्स्ट
वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज आपको टाइमिंग डालना है, और टाइमिंग डालने के लिए आपका फॉर्मेट क्या होगा, 24 आवर्स वाला फॉर्मेट देना है, ठीक है। तो यानी कि अभी देखो मेरे टाइम में कितना बच रहा है, अभी मेरे वॉच में मतलब कि अभी टाइमिंग क्या हो रहा है, तो 10:14 हो रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 24 आवर्स के फॉर्मेट में यहाँ पे हम 22 डालेंगे, जिसको हम 10 बोलेंगे। मैं तो 2 मिनट बाद वाला टाइमिंग डाल रही हूँ ताकि वो आराम से चल सके। आप चाहे तो इसमें कोई भी टाइमिंग डाल सकते हैं, जैसे कि आपके फ्रेंड का बर्थडे है, 12 बजे आपको विश करना है, तो इसमें आप 00 डाल दो, ठीक है, एज पर योर चॉइस आप अपना टाइमिंग डाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 15 हो चुके अपने पास, 1 मिनट है, और हम यहाँ पे इसे रन कर देंगे, ठीक है। तो ये रन करने के बाद में भी क्या बताएगा, 21 सेकंड में मेरा व्हाट्सएप वेब चालू होने वाला है, और 20 सेकंड उसके 20 सेकंड बाद मेरा मैसेज डिलीवर हो जाएगा। तो अभी आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, जो कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपका ब्राउजर ओपन कर लेना है, ठीक है। अब उसके बाद में मेरा हाथ साइड में हो चुका है, बिलीव में मेरा हाथ बिल्कुल भी कीबोर्ड पर नहीं है, ना कि आपको माउस हिलता हुआ दिखेगा, ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप चालू हो जाएगा। ये देखो व्हाट्सएप चालू हो चुका है ऑटोमेटिकली, और उसके बाद में मैंने जिसका नंबर डाला है, मेरे फ्रेंड का, दोस्त का, जिसका भी, उसका चैट ओपन हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली मैसेज भी टाइप हो चुका है, और 20 सेकंड बाद ही मैसेज डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको बस 20 सेकंड का वेट करना है इसके डिलीवर होने तक का। ये देखो मैसेज जो है डिलीवर हो चुका है, ठीक है। तो आई होप देखा आपने कैसे ऑटोमेटिकली ये मैसेज डिलीवर हो चुका है और आपका काम भी हो चुका, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको इफ यू विश ऐसे आपको सामने से रिप्लाई भी आ जाएगा, ठीक है। तो रिप्लाई दे दो, और उसके बाद में अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको बस लाइक बटन को हिट करना है और कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और डू शेयर विद योर फ्रेंड गाइस, प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि और लोगों को इस अच्छे से टेक्नोलॉजी, अच्छे से लाइब्रेरी के बारे में पता चले, और वो देख सके कि हाँ कैसे ऑटोमेट किया जाता है व्हाट्सएप को भी, और ऑटोमेटिकली बिना मैन्युअली मैसेज टाइप करके एग्जैक्ट टाइमिंग पे सेंड करने के जगह ऑटोमेटिकली एग्जैक्ट टाइमिंग पे कैसे सेंड हो सकता है आपका मैसेजेस। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।